सूरतगढ़ शहर राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित है। श्री गंगानगर जिले का यह एक प्रमुख स्थल है। यह शहर चारों तरफ से रेतीली धोरों से घिरा हुआ है। सूरतगढ़ का नाम महाराजा सूरत सिंह पर रखा गया था, जिन्होंने 1705 में यहाँ एक किले का निर्माण करवाया। पूरा किला ईंटों का बना हुआ है। अभी यह किला जीर्ण अवस्था में है। इस किले की सभी कलाकृतियां बीकानेर के संग्रहालय में रखी गई है। सूरतगढ़ का किला एक ओर रेगिस्तान से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ घग्गर नदी से सिंचित उपजाऊ क्षेत्र है। लहलहाती फसल इस कस्बे की हरित आभा बिखेरती है। सूरतगढ़ शहर के आसपास के सभी गांव और कस्बे इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर का पानी लगता है। सूरतगढ़ शहर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। इस शहर को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर कॉटन की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। सूरतगढ़ शहर के आसपास के प्रमुख कस्बों में अमरपुरा जाटान, माणकसर, रंगमहल, जैतसर, पिंपेरन, राजेसर, सोमासर है और सूरतगढ़ शहर की कुल जनसंख्या 140,000 है। सूरतगढ़ को बार बार जिला मनाने की मांग भी उठती रहती है। सूरतगढ़ शहर रेलवे सड़क मार्ग से जुड़ा प्रमुख नगर है। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन से गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अहमदाबाद, दिल्ली, बठिंडा जैसे कस्बों के लिए ट्रेनें यहाँ से चलती है। अनूपगढ़ जैसे शहरों के लिए यहाँ से पैसेंजर ट्रेन दिन में दो बार चलती है। इसका स्टेशन कोड SOG है, पिन कोड 335804 है। सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन की लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों में हमसफर, अवधा आसाम, दिल्ली सराय रोहिल्ला, कालका बाड़मेर, तिरुचेरापल्ली के लिए लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से चलती है। इसके साथ ही सूरतगढ़ शहर का बस अड्डा भी महत्वपूर्ण है। सूरतगढ़ शहर के बस अड्डे से पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी रोडवेज बसें चलती है। सूरतगढ़ शहर के बस अड्डे के पास ही प्राइवेट बस अड्डा है। भाटिया आश्रम की वजह से सूरतगढ़ शिक्षा का हब बन गया है। पूरे राजस्थान से विद्यार्थी भाटिया आश्रम में RS और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते हैं। यहाँ पर मात्र 250 रुपए की फीस में सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती है। वर्तमान में यहाँ पर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सूरतगढ़ शहर का इंदिरा पार्क सूरतगढ़ के प्रमुख उद्यान में से एक है, जहां इसके पास ही अपेक्स हॉस्पिटल है, जो सूरतगढ़ का सबसे बड़ा प्रमुख हॉस्पिटल है। शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करें तो इसमें रामदेव मंदिर, गणेश मंदिर जिसके पास प्राचीन शनि मंदिर स्थित है, इसके अलावा गुरुद्वारा और हनुमान खेजड़ी मंदिर है। हनुमान खेजड़ी मंदिर में हर मंगलवार को भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हनुमान खेजड़ी मंदिर रेतीले धोरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। खेजड़ी मंदिर के पास ही किशन पित्रजी महाराज का मंदिर है, जहां पर दूर दूर से लोग अपने कष्ट दूर करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही सूरतगढ़ कृषि उपज मंडी श्रीगंगानगर जिले की प्रमुख उपज मंडियों में से एक मानी जाती है। सूरतगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली बनाता है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के पास ही श्री सीमेंट की फैक्ट्री है, जहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा सूरतगढ़ के प्रमुख स्थानों में आकाशवाणी व उसके पास ही राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ है, जहां पर आसपास के गांवों कस्बों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं।